नमस्कार बच्चों, आज हम आत्मतराण कविता, जो हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम ब कोर्स बी का हिस्सा है, उसकी चर्चा करेंगे। और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं, तो या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आत्मतराण कविता, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बनाई हुई है। बड़ी अच्छी कविता है। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई नहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू शय। तो यहाँ पर कवि जी, जो कि बड़े ही अच्छे ढंग से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे विपदाओं से बचाओ, विपता अर्थात कठिनाइयाँ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, बस इतना करना करुणामय अर्थात दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, कि कभी भी मैं विपदा में, डर में डरू ना, कठिनाइयों में, मुश्किलों के समय में भयभीत ना हूँ। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, कि अर्थात मेरे दुख ताप, जो भी कठिनाइयां हैं जिंदगी की, उनसे पीड़ित इस दिल को चाहे आप किसी प्रकार का हौसला ना दे, सांत्वना, तसल्ली, जिसे हम कह लें कि कॉन्डोलेंस, तो किसी प्रकार का ना दें, पर इतना ज़रूर करें हे दया के सागर, कि जो भी दुख हैं उन्हें मैं हमेशा जय कर सकूं, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। चाहे कोई मुझे सहायक मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरा बल पौरुष है, यहाँ पर बल पौरुष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष में ही पौरुष की बात होती है, मीन्स इंसान में, हर मनुष्य में, हर जीव में, कि अर्थात जो मेरा आत्मबल है, जो मेरी खुद की एक दृढ़ता है, उसमें कोई कमी ना आए, मैं उस मुसीबत का डट कर सामना करूं। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, कि अगर वंचना अर्थात धोखा, तो अगर जीवन में मैं कोई लाभ के लिए काम करूं लेकिन उसमें मुझे हानि उठानी पड़े, चाहे कोई मुझसे जितना मर्जी धोखा करे, तो भी मन में किसी प्रकार का क्षय ना हो। क्षय अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में इरोजन कह सकते हैं, नाश, जो खुद पर एक विश्वास है उसमें मुझे किसी प्रकार की कमी ना हो, मैं डट कर उन चीज़ों का सामना करता रहूं। तो अर्थात कभी यही कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे हमेशा बल देना, मुसीबतें जितनी मर्जी आए लेकिन बल देना कि उन मुसीबतों का मैं सामना कर सकूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम अलंकारों की बात करें तो जो ये कविता है छंद मुक्त है, इसमें किसी प्रकार की एक राइमिंग जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं है। तो दूसरा जो कि इसमें हम बात करें, अनुप्रास अलंकार, जैसे सकूं सदा, स स वर्ण की आवृत्ति है, और दुख ताप से व्यथित चित, जो दुख ताप, दुखों का ताप, अर्थात हम उसे रूपक अलंकार के तौर पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये कविता एक अच्छे ढंग से हमें ईश्वर से बल बुद्धि की मांग कर रही है, जो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अब दूसरे पद्यांश की तरफ आते हैं, जो अंतिम है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना करना अनुनय, इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। न तशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो आपने अनेक चलचित्रों में देखा होगा बड़े महान कलाकार जो ईश्वर से नाराज रहे, चलचित्रों में एक चरित्र के तौर पर, तो उसमें फिर भी ईश्वर ही है जो हमेशा कुछ अच्छा करते हैं। तो हम अगर यहाँ बात करें तो कवि जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा त्राण, मुख्य तौर पर हमें आत्मत्राण का मतलब पता होना चाहिए, त्राण, रक्षा, आत्म, खुद की। तो कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हर दिन अनुदिन, कि हर दिन आप चाहे मेरी रक्षा ना करो, ठीक है, आप मेरी रक्षा करें हर दिन, ऐसी मेरी कोई प्रार्थना नहीं है, बस इतनी कृपा करना करुणामय, दया के सागर, कि मुझमें जो इस भव सागर में जो मुश्किलों का सागर है उसमें तैरने की अपार शक्ति प्रदान करना। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, अर्थात जो मेरे मुश्किलों का, कठिनाइयों का बोझ है, आप चाहे उसे कम ना करें, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है। और जो मैं चाहूँगा, हर इंसान की ऐसी कामना होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलें ही जिंदगी हैं, अंग्रेजी में पंक्ति है, लाइफ स्ट्रगल, जिंदगी संघर्ष है, तो यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा भार आप कम चाहे ना करें, लेकिन इतनी ज़रूर कृपा करें अनुनय, कि मैं उस भार को वहन कर सकूं, बिना डरे उन मुसीबतों का सामना कर सकूं। क्योंकि अगर हमारे सामने कुत्ता खड़ा है,
अगर वो भोंक रहा है हम भागेंगे, वो पीछे भागेगा, ऐसी ही मुसीबतें हैं। लेकिन अगर हम ठहर जाएंगे तो ज़रूर वो भी ठहर जाएगा, क्योंकि उसे भी डर है। इसी तरह हमें डर को डराना है, ना कि डर से डरना है। लेकिन फिर भी अगर कुत्ता ज़्यादा पागल होगा, वो पढ़ ही जा रहा है, तो फिर हमें हालातों को देख कर कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कर सकते हैं वो हमें करना। लेकिन हम एक जीव के तौर पर, मनुष्य के तौर पर, हमारी जितनी कोशिश हो, जानवरों या जो भी जीव जंतु ने नुकसान नहीं पहुंचाना, तो केवल रखना इतना अनुनय, हे ईश्वर, कि मैं उन दुखों का वहन कर सकूं, उन्हें सह सकूं, उनका बोझ उठा सकूं। और जब भी नत शिर अर्थात सिर झुका कर, कि जब भी दुखों के सुखों के जब दिन हों, तो मैं सिर झुका कर आपका नमन करूँ, और हर मनुष्य में, हर जीव में बस आपके ही दर्शन करूँ प्रभु। छिन छिन में, हर कण में बस आपके ही, जो छिन छिन अर्थात हर पल, मीन्स कि हर मनुष्य हर जीव जंतु में आपके ही मैं दर्शन करूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख रात्रि अर्थात दुख रात्रि यहाँ पर रूपक अलंकार है कि दुख की रात। तो हे ईश्वर, जब दुखों की, जो दुखों का काला साया, दुखों की रात अगर आ जाए मेरे दिन में, इस निखिल मही असीम इस दुनिया में अगर कोई मेरी सहायता ना करे अर्थात हर कोई मुझे धोखा दे जाए, तो भी ईश्वर मेरा आप पर जो एक विश्वास है वो कभी टूटेगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हर मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें ईश्वर पर जो एक अटूट विश्वास है वो डोले नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ईश्वर पर विश्वास है तो हम कभी भी टूटेंगे नहीं। और जो सोचता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, और वो मुसीबतों के समय अगर खुद हारता है, तो उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ईश्वर हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर छिन छिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, और दुख रात्रि रूपक अलंकार, जैसे आपसे बात की। तो बाकी छंद मुक्त कविता है, शब्दों का बड़ा ही अच्छा सुमेल है। तो बस आपने अंकों का आप जो दिखाना है वो ही आपका खेल है। तो धन्यवाद, नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बात करिए।